जयपुर में एक गांव ऐसा भी है जो हाथियों के लिए बनाया गया है और जहां सिर्फ हाथी रहते हैं। ये तो बहुत छोटा है साइज में हाथी। इनको पूरा विलेज डेडिकेट किया गया है 72 एकड़ एरिया के अंदर, जो अपनी लाइफ स्टाइल लाइफ स्टैंडर्ड उनका बेटर हो सके। अच्छा, ये पीछे जो है ये स्कूल है, जो यहाँ महावत रहते हैं या जो उनकी फैमिली रहती है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल इस प्रमाइसिस के अंदर ही बनाया गया है। यहाँ पे सारे हथनियाँ हैं, हाथी एक भी नहीं है। अब आमेर जाते नहीं आते हैं हाथी? दो बार जाएगा, उसमें एक बार राउंड होगा एक बार खाली आता। अच्छा, हाँ हाँ। जब ये खेलते हैं तो फिर अक्सर पत्थर कुछ भी नहीं देखते, कहीं भी मार देते हैं, दीवार में भी टक्कर मार देता है, खेल में आता है कुछ भी नहीं देखता। हाँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड ऑन अ टाइगर। थंबनेल से आप जान गए होंगे कि हम हैं इस वक्त जयपुर के हाथी गांव में। जयपुर में एक गांव ऐसा भी है जो हाथियों के लिए बनाया गया है और जहां सिर्फ हाथी रहते हैं। तो आज हम हाथी गांव घूमने आए हैं और आपको हाथी गांव दिखाने आए हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अंत तक जरूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस जगह पे बहुत कम लोग आते हैं और मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। मैं भी पहली बार आया हूँ, देखते हैं अभी आगे और क्या क्या है यहाँ पे। लेकिन मैंने सुना है कि ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये पूरा गांव जो है सिर्फ हाथियों के लिए बना हुआ है। से यहाँ पर हर तरह के हाथी हैं, हर साइज़ के हाथी हैं। चलिए देखते हैं कितने हाथी और क्या क्या देख पाते हैं। ये तो बहुत छोटा है साइज़ में हाथी। अठारह साल की है, फीमेल ही है। क्या गन्ना है वो? ले ले कहाँ लेके जा रहे हो इसको? इधर साइड में चल। तो ये लगा के तगा 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 तो मेरे साथ अभी शोएब जी हैं, ये हैं शोएब जी। अभी शोएब जी से इस जगह के बारे में बात करते हैं। विलेज 2012 में इसका 2012 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ताकि जो एलिफेंट्स उनको प्रॉपर फैसिलिटी एक जगह मिल सके। इससे पहले सारे एलिफेंट्स सिटी में रहते थे, मेनली सिटी और नियर आमेर फोर्ट इधर रहते थे। कंजेस्टेड जगह होने की वजह से यहाँ पे इनको पूरा विलेज डेडिकेट किया गया है 72 एकड़ एरिया के अंदर, जो अपनी लाइफ स्टाइल लाइफ स्टैंडर्ड उनका बेटर हो सके। अच्छा, अभी हर एलिफेंट का, जैसे अभी आपके साथ में एलिफेंट को लेकर आया, हर एलिफेंट का पर्सनल शेल्टर होता है, जो उसके लिए इनफ स्पेस होता है। और उसके हर एलिफेंट के लिए अलग शेल्टर होता है, अलग शेल्टर है, अलग जगह होता है जी। ये ब्लॉक्स बने हुए, हर ब्लॉक्स में 3 एलिफेंट रहते हैं इस तरीके। अच्छा, और हर ब्लॉक के 3 एलिफेंट के साथ 3 फैमिलीज रहती है, जो महावत होता है। हाँ। उनकी फैमिली। अच्छा, महावत की फैमिली भी यहीं रहती है? जी जी बिल्कुल। ओके ओके। और ये विलेज की ये जो स्कूल है सामने, जो कम्युनिटी है हमारी जो रेडी है उसके चिल्ड्रंस है। हाँ। उसके वहाँ यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। पास ही में वेटरनेरियन हॉस्पिटल है। हाँ। जो 24 आवर्स अवेलेबल वेटरनेरियन फैसिलिटी है वहाँ पे।
ये हाथियों के लिए, जी हाथियों के लिए भी। अच्छा। और स्ट्रीट डॉग्स और बफेलो काउज के लिए भी, उनके लिए भी यहीं पे है जी। वेटनरी हॉस्पिटल है यहाँ पे। हाँ वेटनरी हॉस्पिटल है। अच्छा। इसी तरीके और बीच में एक पौंड है एलिफेंट विलेज के। अच्छा इस तरफ पौंड है, इस तरफ पौंड है जिसमें एलिफेंट समर सीजन के अंदर शावर लेते हैं। हम लोग सुबह छोड़ते हैं हाथियों को, फिर आराम से 2-3 घंटे के अंदर वो वहाँ से वहाँ पे नहा के फिर आते हैं बाहर। अच्छा अच्छा। इस तरीके से ये पूरा विलेज है, एलिफेंट विलेज की एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मीट एंड ग्रीट का सेशन होता है एलिफेंट के साथ। हाँ। उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं आप अपने आप को एलिफेंट से, और एलिफेंट खुद आपको आपसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है। हाँ। तो फर्स्ट फोटोग्राफी का पार्ट होता है, वो आप फोटोज एंड ऑल एवरीथिंग लेते हैं। फिर उसके बाद आप राइड पे जा सकते हैं। हाँ। राइड में देखिए दो तरीके से राइड, एक तो बैरबैक राइड एलिफेंट पे, कुछ नहीं है रोड से केवल। हाँ। और एक होता है पालकी लगती राइड, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट होता है एलिफेंट को, वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एलिफेंट को फीड करते हैं शुगर कैन, ग्रीनरी, ब्रेड्स, बनाना स्टफ। तो फिर उसके बाद आप एलिफेंट के ऊपर पेंट करेंगे कलर, किसी का नाम कुछ भी लिखना हो, मेंशन ना वो लिख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद आप ये वॉश कर सकते हैं एलिफेंट को, शावर दे सकते हैं। अच्छा, से इनके चार्जेस होते हैं जी? एक्टिविटीज़ होती है, 4 एक्टिविटीज़ होती है। हाँ। और इसमें और भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम बीच बीच में। हाँ हाँ। तो वो एक्सप्लेन नहीं करते लेकिन करवाते हैं हम लोग। अच्छा, बीच में नहीं तो इनके क्या चार्जेस होते हैं? अगर सारी एक्टिविटी करते हैं आप लोग, आप 4 एक्टिविटी है तो इसके अंदर आपका 3000 पर पर्सन लगता है। अच्छा अच्छा। और कम एक्टिविटी करते हैं तो कम लगता है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये सीढ़ी हाथी बैठने के लिए है, यहाँ पर आके हाथी खड़ा होता है, आप ऊपर जाइए और वहाँ से फिर हाथी की हाइट पर आके बैठ जाइए। 55 रुपये की एंट्री फ़ीस थी, और उस एंट्री फ़ीस के बाद अगर आप अंदर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस जो हैं वो अलग से लगेंगे। हम लोग तो फ़िलहाल पैदल घूम रहे हैं। जैसा कि वो भैया बता रहे थे, ये पीछे जो है ये स्कूल है, जो यहाँ महावत रहते हैं या जो उनकी फैमिली रहती है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल इस प्रमाइसिस के अंदर ही बनाया गया है, ताकि उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। और अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो हाथियों का प्रॉपर टेक केयर जो है वो होता रहेगा यहाँ पे। अंदर का अगर मैं माहौल बताऊँ आपको, तो इस तरफ अगर आप देखें तो जंगल जैसा ही माहौल है, पेड़ वेड़ काफ़ी लगे हुए हैं हर तरफ। मैं देख रहा हूँ कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ग्रीनरी है, तो नेचुरल एटमॉस्फेयर जो है वो इस कारण से हाथियों को यहाँ पे मिलेगा। ये पॉन्ड एरिया है जहाँ पे हाथी स्नान करते हैं, आराम करते हैं। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ कि एक हाथी अभी काफ़ी दूर में वहाँ पे उस तरफ है, तो इनका महावत भी साथ में है, इनको नहला रहा है, साफ़ कर रहा है। और गर्मियों के दिन में आई थिंक हाथी यहीं आसपास आके बैठे रहते होंगे और अपने आप को ठंडा करते होंगे। हाथी नहा रहा है, यहाँ पे सफाई हो रही है इसकी। शुभम भाई ने मुझे अभी भी एक बात बताई, यहाँ पे सारे हथनियाँ हैं, हाथी एक भी नहीं है। उसका रीज़न कुछ रहा होगा, माइट बी मतलब होता होगा प्रॉब्लम होगा या आपस में इनके कोई दिक्कत होती होगी, तो सारे यहाँ पे हथनी हैं, हाथी नहीं है। इसकी सेवा सत्कार सब कुछ आप ही करते हो? 24 घंटे इसकी देखभाल हम ही करते हैं। अच्छा। रात हो या दिन हो, रात में जितनी देर सो ले। हाँ। वही अलग टाइम होता है, बाकी का पूरा टाइम इसके साथ ही है। यहाँ हाथी क्यों नहीं रखते है? हाथी क्यों नहीं है यहाँ पर? हाथी गवर्नमेंट से पूछो क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं अलाउ करें? अरे आपको पता होगा ना, गवर्नमेंट ने जब बंद कर दिया तो गवर्नमेंट से ये थोड़ी ना पूछेंगे क्यों बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या बंद कर दिया? हाथी नॉट अलाउड कर दिया गवर्नमेंट ने। कहाँ पे नॉट अलाउड कर दिया? हथनी है ना। हाथ। अच्छा हाथी अंदर नहीं है, सारे फीमेल हैं। अच्छा फीमेल है, मेल नहीं है। बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ये थोड़ी ना पूछेंगे क्यों बंद कर रहे हो। अच्छा अच्छा। नहीं इनके आपस में कोई झगड़े वगड़े होते होंगे ना पहले? पहले क्या है सर, काम ज़्यादा निकलता था, पहले क्या पूरा दिन आमेर में चलता था। हाँ। जैसे अभी आपको लेकर आमेर में ऊपर गए। हाँ।
तो पैलेस में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, जब तक हाथी वहाँ खड़े होते थे। फिर हाथी भी पब्लिक भी रहती थी, जब ये आपस में बैठती थी पब्लिक को डिस्टर्ब होता था, इसलिए फिर गवर्नमेंट ने बंद कर दी। अब आमेर जाते नहीं आते हैं हाथी? आमेर तो जाते हैं, लेकिन आमेर 25 हाथी रोज जाते हैं बस, बाकी के हाथी यहीं रेस्ट करते हैं। जो हाथी जैसे आज गए ना, फिर वो 2 दिन रेस्ट करेंगे, तब दूसरे का नंबर आएगा। दो बार में एक बार राउंड करके आता है, एक बार हफ्ते में एक हाथी दो ही बार जाएगा? दो बार जाएगा, उसमें एक बार राउंड होगा, एक बार खाली आता। अच्छा, तो जाता क्यों है फिर देखने है, एनवायरनमेंट? अब जाने का तो मतलब अभी जिस हिसाब से क्लाइंट निकलेगा उसी हिसाब से फिर हाथी जाएंगे। ये आप क्या कर रहे हो, साफ कर रहे हो? सफाई तो साफ कर रहे हैं, कलर धो रहे, ये ऐसे नहीं छूटता जल्दी। तो कलर करते ही क्यों जब धोना पड़ता है? तो अभी बाबू जी मतलब सुंदर दिखने के लिए, सजावट के लिए करना, सजावट के लिए करते हैं, फिर सफाई भी करते हैं इनको, सफाई तो करना ही जरूरी है। अच्छा, इस हाथी के ऊपर में कुछ चोट लगी हुई है, क्या है, कुछ चोट है क्या? ये इसी में है, अपने जब छोड़ते हैं ना, ये पत्थर है ना, हाँ हाँ, जब ये खेलते हैं तो फिर अक्सर पत्थर कुछ भी नहीं देखे कहीं भी मार देते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसमें ये अक्सर पत्थर की लग जाती है, चोट लग जाती है फिर इनके। फिर जो बद खाल होती है ना, जैसे पुरानी खाल निकलती, नई खाल आती है, फिर ये पपड़ी पड़ जाती है, नई खाल आएगी। अच्छा अच्छा, ये इसमें पत्थर है, चारों तरफ दीवार में भी टक्कर मार देता, खेल में आता है, कुछ भी नहीं देखता। ये पानी का फुहारा निकाल रहा है, पानी का फुहारा निकाल रहा है सूट से, पानी का फुहारा। अभी मौसम ठंडा है, उससे ही गर्म मौसम होगा, उससे फिर ये पानी फेंकेगा, पानी अपने ऊपर ही फेंकेगा। तो ये हाथी तो यहाँ बैठे रहते होंगे गर्मियों में, गर्मियों में खेलते हैं, इसमें जाने के बाद फिर हाथी 3 घंटे से पहले नहीं आता। अभी इसमें छोड़ने का मौसम नहीं, अभी तो मैं साफ करने के चक्कर में यहाँ खड़ी कर रखी, खाली अंदर नहीं छोड़ रखी इसीलिए। अच्छा अच्छा, वहाँ ये गटर लाइन बंद हो रही, पानी नहीं पास होता। नहीं, मैं वही देख रहा था कि बहुत लोग बाड़े में ही धो रहे थे, बाड़े में धो रहे हैं, लाइन बंद है तो पानी भर जाता है, निकलता नहीं। अच्छा अच्छा, इसलिए फिर वहाँ पे कादा होगा, फिर हमें आगे की दिक्कत आएगी, फिर साफ भी नहीं जाएगा, तो पानी जो निकालना पड़ता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है सतनी का? चंपा। चंपा,